वो चोर हमसे हमारी गन भी ले गए। ऐसे है भाई। सर आपका ऑर्डर हो गया। भाई साहब, भाई साहब, हम यहाँ इसलिए आए थे कि आपके साथ खुश हो सके, लेकिन आप तो ऐसे लेटे हुए जैसे किसी मैयत में आए हुए। मैयत पे तो बैठे हैं मेरे दोस्त। ठीक हो जाना यार, बड़ी मुश्किल से वापसी हुई है तेरी। छोड़ना ये बात है यार। वापसी कहाँ होती है यार, वापसी तो होती नहीं। जो चला गया वो चला गया। एक साल, पूरा एक साल। इस एक साल में तू उस लड़की की वजह से सस्पेंड भी हुआ है। बड़ी मुश्किल से ड्यूटी वापस मिली है यार। थोड़ा सा फोकस कर, बस थोड़ा सा। ओ भाई, निकला इस मजनू आपे से, जिसे जाना था वो चला गया। लोग चले जाते हैं, जगह वहीं रहती है जिन जगहों पर बनी हो यादें, यादें वहीं खड़ी रहती हैं। वाह वाह, तो यार कहा भी था कि यहां बताओ, ये जगह जो है ना, इनकी मोहब्बत का मकबरा है। यहाँ बैठकर ये हर वक्त शायरी करते रहेंगे, वही हो रहा है। मतलब पुलिस वाला होकर शायरी करता है, पुलिस में होकर पुरानी मोहब्बत को याद करता है। साथ शर्म करो है। अबे ये यहाँ कैसे आ गई? तुम क्या कर रही हो? तमाशा बन रहा है, लोग देख रहे हैं, प्लीज चलो यहाँ से। मैं बता रही हूँ, मैं अपने आप को मार दूँगी। क्या पागलपन है ये? फेंको इसे, लग जाएगी, फेंको। मैं मार दूँगी। क्या हो रहा है, ये सब क्यों कर रही हो ऐसा? ये हमारा मामला है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। यू बेटर स्टे आउट ऑफ इट। अबे दो मिनट पहले तक ये मेरा मामला नहीं था, लेकिन अब हो गया है। सर ये लड़की गाड़ी से कूद कर यहाँ आई है, और ये लड़का उसी गाड़ी में मौजूद था। ये बीवी है मेरी। ये मुझे मारना चाहता है, कत्ल कर देगा मेरा। क्या कह रही है ये? साथ साथ देख देख भाई, तू इस मामले से दूर रहे। इलाके की पुलिस की मोबाइल को मैं बुला लेता हूँ, वो देख ले। यहाँ पे तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैंने तुमसे कहा ना, ये बीवी है मेरी। अब ये तेरी किस्मत है कि ये तेरी बीवी है, लेकिन तेरी बीवी अपनी किस्मत पे खड़ी क्यों लो रही है ये बता। साथ साथ मेरी बात सुन, मैं इस इलाके की पुलिस बुलाता हूँ, वो देखेंगे मसले को। यार तू दूर हो। हाँ निम्रा, बात उलझ रही है, लेट्स गो। अबे ऐसे कैसे चलो यहाँ से? अरे चौकीदार गेट बंद कर। यस सर। तू चुप करके यहाँ बैठ, चुप करके बैठ। तुम इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। लेकिन ये मुझे। अबे छोड़ इसे, लग जाएगा हाथ में, छोड़ो। चलो अब क्या मतलब, कहाँ चलो? ये तो मैं मारना चाहता था ना, तुम गाड़ी से इसलिए कूद के आई हो, तो अब कहाँ चलो? जो भी है पुलिस में कंप्लेन करूंगी, लेकिन तुम इस मामले से दूर रहो। मैं पुलिस, पुलिस ही तू? अबे बता ना यार, मैं पुलिस में बल्कि ड्यूटी पर हूँ। मुझे बताओ क्या हो रहा है ये सब? अबे तुम कर ले, तुम मुझे बताओ क्या हो रहा है ये सब, प्लीज बताओ। उसने कहा ना ये उसकी प्रॉब्लम है, तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। चलो कहाँ, सॉरी सॉरी, मतलब कैसे कैसे कहाँ चलो? मुझे बताओ तो ये सब क्या हो रहा है, तुम ठीक हो ना? एक कंप्लेन अपने शोहर के खिलाफ करूंगी, वो दूसरी तुम्हारे खिलाफ, जो चीख कर चिल्ला कर मुझे हरेस कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हरेस कैसे कर सकता हूँ? मैंने मदद मांगी,
नहीं ना, तो खुदाई फादर क्यों बन रहे हो? मैं जिससे मदद मांगूंगी ना, वो मेरी मदद जरूर करे। देख होश में आ, दोबारा से ये वाली बेवकूफी मत करना। देख वो जानबूझकर गाड़ी से यहाँ कूदी थी, उसे मालूम था कि तुम यहाँ होते हो, इसलिए वो यहाँ आई है। देख तूने कल भी इंस्टा पर पोस्ट डाली थी और परसों भी डाली थी इसी जगह की। यार ये गेम है, तू समझ। अगर ऐसा रहा हुआ तो, अगर ये सच हुआ तो, अगर वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि किसी तरह मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सके तो, अगर तू वाकई उसका इतना सगा है तो तुझे छोड़कर उससे शादी क्यों की उसने? बोल। साथे क्यों करियो निम्रा? इतना प्यार करता हूं तुमसे, तुमने कभी सोचा नहीं? तुम बस सारी जिंदगी यही सोचते रहना कि सिर्फ तुमने ही प्यार किया। अगर मैंने तुमसे प्यार ना किया होता तो आज अपने मायों के दिन तुम्हें इस तरह चोरी छुपे अपने घर पे ना बुलाते कि एक नजर तुम मुझे देख। है तुमने देख ली आखिरी? क्यों कर रही हो शादियां? मेरा इंतजार तो किया होता। साथ एक मिडिल क्लास लड़की की मजबूरियां समझो, उस लड़की के जिसकी बड़ी बहन घर से भाग गई थी किसी के लिए। मैंने घर पर सबको मनाया, सबको कहा, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब्बा ने कह दिया कि तुम भी उसकी तरह भाग जाओ, जिस जाते हुए जहर दे जाना। ये क्या मकाम है बिछड़ने का यार? अभी तो जिंदगी बदलने वाली थी, नौकरी मिल गई थी मुझे, क्या है? समझाया था साथ, सब समझाया था कि कोई नहीं समझा। पहले हमारी बेरोजगारी मसला थी और अब ये पुलिस की नौकरी। अब्बा ने साफ मना कर दिया कि पुलिस वाले को अपनी बेटी नहीं दे सकता। कोई सूरतें थी, या तो अब्बा को जहर दे दो पर खुद जहर खा के मर जाओ। क्या करूं मैं? नौकरी वोकरी सब कुछ तुम्हारे लिए था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, कैसे जियो तुम्हारे बगैर? बताओ ना, क्या करूं तुम्हारे बगैर? रिमो क्या हुआ? प्लीज मुझे बताओ, तुम ठीक हो ना?
कैमरा। मैंने जान की नहीं किया, ये क्या कर दिया तुमने? ऐसा ना करती ये मुझे मार देता। बल्कि तुमने उसको मार दिया? हाँ कैसे दिया तुमने? रो मत, मैं संभाल लूंगा सब। तुम प्लीज रो मत प्लीज। मैं आ गया हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तो तुमने किसी को किसी और को कॉल करके कुछ बताया तो नहीं है इस बारे में? किसी और को तो नहीं पता ना? रिलैक्स। कहा था कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगी, इसीलिए मैं तेरा पीछा कर रहा था। देख भाई, ये सारा का सारा ड्रामा जो है इसी ने स्टेज किया हुआ है, तू समझ नहीं रहा है? सिंगल डिफेंस में किया है सब, और अभी मरा नहीं है, जिंदा है। ओ भाई, ये मरा है जिंदा है, मैं इससे क्या सवाल ये है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा एक बार बता, तू यहाँ है किस हैसियत में? एक पुलिस वाले की हैसियत में या इसका एक्स बॉयफ्रेंड होने की हैसियत में? तुझे अंदाजा नहीं है क्या खेल खेल रही है ये? अभी इसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना है, बच जाएगा तो फिर संभाल लेंगे ना यार। देख भाई, तेरे लिए आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? इसको बचाने या मरने नहीं आया। और दूसरी बात, मुझे नहीं मरना इन तमाम चक्करों में, इसे नहीं किया है यही मुक्त है ना? तू चल ना यार मेरे। ऐसे कैसे चला जाऊं यार, उसे मरता हुआ छोड़कर चला जाऊं? अगर मर गया होता तो दफना देता कहीं, अब ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता उसे। उठा इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे मारना चाह रहा था, दरवाजे तोड़ा था, बंद थे, इतने बहुत घबरा गए थे, मार गए। एक नंबर की झूठी औरत है भाई ये। देख, इसने पहले तुझे फंसाया, फिर तुझे कटा दिया, फिर तेरे कटाने के बाद इसने शादी की, अब इसको मार दिया है। अब चूंकि तू ठहरा डफर नन्ना काका, फिर तुझे फंसा रही है ये। मैं ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे यकीन कर। मक्कार औरत है, झूठे आंसू बह रही है। चुप कर जा, इसे उठा के हॉस्पिटल लेकर जाने, फिर देखेंगे। उठा इसे। मर गया। तुम परेशान हो, मैं संभाल लूंगा, कोई कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है? मैं यहाँ देखिए, उनसे पूछो। पागल हो गया क्या? इस तक कत्ल कर दिया है उसे, और तू
बता रहा है, सेव कर रहा है उसे। चुप कर जाओ, उठा इसे। नहीं भाई, मैं नहीं उठाने वाला। मेरी वैसे भी लाश उठाने से, और इस काम में मैं तेरा साझेदार नहीं बनूंगा। अब बनना तो पड़ेगा तुझे। किसी ने तुझे यहाँ नहीं बुलाया था, तो खुद आया, और अब तूने सब देख भी लिया है, तो साझेदारी तो करनी पड़ेगी। उठा इसे। यार तू पागल हो गया है? इसने उसे। अबे चुप कर जा, तुझे भी इसके साथ काट दूंगा मैं। तू बिल्कुल खुद को संभालो। ये जो शीशा वगैरह टूटा हुआ है, जो खून वगैरह, सब साफ कर दो, कोई निशान नहीं बचना चाहिए। एक घंटे का वक्त है, एक घंटे में मैं इसको ठिकाने लग गया। ठीक है, ए तू क्या देख रहा है, लाश उठाना। कहाँ चले गए थे? मारना आसान है, सेकंड में दम निकल जाता, ठिकाने लगाना मुश्किल होता, वक्त लगता है। ऐसे मारना नहीं चाहती थी, बस उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। वो अगर ना मारती तो वो तुम्हें मार देता है ना? हमारे बाप ने पुलिस वाले से शादी नहीं कराई, बल्कि इससे कराई। हाँ, उसने सोचा होगा कि पुलिस वाले से शादी कराई, वो मर गया तो तुम बेबा हो जाओगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि किसी पागल से कराई तो वो तुम्हें मार देगा। इस वक्त ये बातें क्यों कर रहे? सब बातें करने का वक्त आए इस वक्त। तरसा हूं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। सोचा नहीं था इस वक्त में बैठाऊंगा तुम्हारे साथ। क्या होगा सर? अब क्या होगा? जिसे मरना था वो मर गया। इसे मारते क्यों चाहते ना तुम? वो किसी और को पसंद करता था, हर वक्त फोन पे बात करता रहता था, दो दो दिन तक घर से गायब रहता था, उसकी कोई खबर नहीं होती थी। मैं तलाक दे देता। नहीं दे सकता। क्यों? तुम कौन से वजीर आजम की बेटी हो जो तुम्हें तलाक देते हुए डरता था?
ये घर उससे उसके हाथ से चला जाता अगर वो मुझे छोड़ देता, इसलिए वो मुझे टॉर्चर करता रहता था ताकि मैं उसे छोड़ दूँ, ये घर उसके नाम कर दूँ, बस उससे जान छुड़ा लूँ। तुम्हारे पास ये घर कहाँ से आया है? तो मुझे याद है तुम्हारा बाप तो किराए के मकान में रहता था, ये इतना बड़ा घर कहाँ से कैसे? बताना चाहती तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो उस वक्त एक पुलिस वाला तुमसे तफ्तीश नहीं कर रहा बल्कि आना आशिक तुम्हारा गम बांट रहा है। तुम ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर अगर करना चाहो तो? सिर्फ तुम पे ही तो ट्रस्ट किया, मैं जानती थी कि तुम वहीं उसी जगह बैठे होगे जहां हम बैठते थे। तुम्हें स्टॉक करती थी, तुम्हारे स्टेटस देखती थी, लेकिन ये सब ऐसे हो जाएगा पता नहीं था। जब वो मरा ही नहीं था तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं ड्रामा नहीं करूंगा तो पूरा सच सामने कैसे लाऊं? जब तक आतिफ की अम्मी जिंदा थी मुझे सपोर्ट थी, वो अपने बेटे को जानती थी कि वो किसी भी ऐसी वैसी लड़की के लिए मुझे छोड़ देगा। मेरी माँ अच्छी तरह जानती थी कि निम्रा की नजरों में रिश्तों की कोई औकात नहीं, उसकी जान पैसों में रिश्तों में नहीं। वो कोई रिश्ता निभा ही नहीं सकती जब तक कि उसे कोई नफा ना मिले। तुम्हारी माँ मेरे गैर मौजूदगी में मेरे खिलाफ बातें करते हो, तुम अपनी माँ से मेरी बुराइयां गिनवाते हो। स्वेयर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा समझ रही हो, पागल हो गई हो ना, पागल हो गई हो। निम्रा पहले तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर आती थी, अब घर से बाहर जा रही है, कुछ ख्याल है हमारी इज्जत का? इज्जत इज्जत और तुम लोगों की माय फुट। निम्रा मेरी बात तो सुनो, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसको उसका अपना घर नहीं दिला के दे सकता, अब नहीं है इतना कुछ मेरे पास। ये घर मेरे शौहर ने बहुत मोहब्बत से बनाया था, उनके बाद अब ये मकान हो गया। घर मोहब्बत से बनते, तुम दोनों मोहब्बत से रहना, ये तुम दोनों को जोड़े रखेगा। मुझे जिंदगी से बहुत कुछ मिला, अब मेरा क्या है? आज हूं कल नहीं, जो कुछ है तुम दोनों का ही है। निम्रा सुन रही हूं ना बेटा, ये घर मैंने तुम दोनों के नाम किया है। आतिफ की अम्मी की उम्र कम रह गई थी, शायद उन्हें भी एहसास हो गया था, वो जानती थी
कि उनके जाने के बाद आतिफ एक दिन भी नहीं लगाएगा मुझे छोड़ने में, इसीलिए वो इस घर के साथ हमें बांध गई। मेरे जीते जी तो अब आतिफ इस घर को बेच नहीं सकता, इसीलिए मेरा वजूद उसे चुपने लगा था। मलकियत में तो उसे बराबरी बर्दाश्त ही नहीं थी। उसने मुझे इस कदर परेशान कर दिया था कि कभी कभी मैं सोचता था कि उसे तलाक दे दो। फिर मुझे अपनी माँ का ख्याल आ गया था, जिन्होंने जाते जाते दोनों को जोड़े रखने के लिए वो भी किया जो वो नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता कि वो इस प्रॉपर्टी के लिए मेरी जान भी ले रहे। कल रात भी कुछ ऐसे ही हुआ, हम गाड़ी में बैठे थे और अचानक यहाँ गाड़ी रोको। लेकिन क्यों यहाँ गाड़ी रोको? लेकिन हुआ क्या तुम्हें अचानक? तुम गाड़ी रोक रहे हो या नहीं? तुम पागल हो गई हो क्या हुआ है? अगर गाड़ी नहीं रोकी तो चलते हुए गाड़ी से कूद जाओगे। गाड़ी रोको। सर रोक रहा हूँ, चीख क्यों रही हो? जा रही हो, मेरी बात सुनो। इमरान कल रात जो हुआ अब भी सोचती हूँ तो गाड़ी आहिस्ता चलाओ आतिफ, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा? मरने से मुझे तो नहीं लग रहा, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। तो बाय द वे तुम मुझे हमेशा इस रोड पे आने का क्यों कहती हो? कोई यार तो नहीं रहता तुम्हारा यहाँ पे? क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? बकवास तो मेरी माँ ने की थी मुझसे तुम्हारे बारे में, जो तुम्हें मेरे सर पे मार के चली गई है। प्लीज प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाओ, नहीं तो मैं चलते हुए गाड़ी से कूद जाऊंगी। तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। मैं होश में नहीं हूँ ना? तुम तो अपने होश में हो ना, तो जाओ कूदो। नहीं कूदो, ऐसे तो ना कूदो। ओह शिट, ऐसे नहीं। मैंने पहले भी दो एक बार आतिफ को वहाँ आने के लिए कहा था, मुझे वाकई उस रोड से गुजरना अच्छा लगता था और फिर जानती थी कि तुम वापस आ गए हो और वहाँ उसी जगह बैठते हो। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें देखना चाहती थी, मुझे लगता था कि तुम्हें देख लूँगी तो दिल बहल जाएगा, लेकिन ये नहीं जानती थी कि कल रात आतिफ इस कदर जुनूनी हो जाएगा कि मुझे गाड़ी से कूदना पड़ेगा। वहां पे मैंने वो टिश्यू पेपर जानकर तुम्हारे लिए फेंका था, मैं जानती थी एक तुम ही हो जो मेरी मदद करोगे। आने क्यों यकीन था कि तुम वहां मुझे मिलोगे और तुम मुझे मिले। हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर था और हमेशा रहूंगा भी, लेकिन आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब हुआ? पता खोलो, निम्रा दरवाजा खोलो, पता खोलो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तमाशा लगाना क्या होता है। वाजा खोल दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे मार देगा। कल जब वो घर आई तो बिल्कुल चुप थी, उससे पूछ रहा था कि अगर तुमने ऐसा क्यों किया, जो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या चाह रही है। और फिर इमरा देखो मेरी मेरी बात को समझो, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तुमने आज जो कुछ भी किया वो नॉर्मल नहीं है। देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, प्लीज मेरी बात मान लो। प्लीज इमरा दरवाजा खोलो। तुम
तुम मेरे घर? कुनिग्रम बैठ के बात करते, दरवाजा तो खोल दो, बात तो करो मुझसे। साधु मुझे मार देगा, साधु मुझे मार देगा। और फिर निम्रा, निम्रा कहाँ हो यार तुम? निम्रा मैं कसम से उसे मारना नहीं चाहती थी। मैं तो फैसला कर चुकी थी कि अब उससे अलग हो जाऊंगी। निम्रा, निम्रा कहाँ तुम? बाहर निकलो। तुमसे मदद इसलिए मांगी कि मुझे खौफ आने लगा था उसकी तारी शख्सियत से। अपने माँ बाप से कहती तो मेरी बात ना मानते, कहते कि मुझ में ही कोई खोट है। साथ मैं इस बोझ के साथ कैसे जीऊंगी कि मैंने किसी की जान ले ली है। जी होते हुए तुम किसी बोझ के साथ कैसे जी सकती हो? हमने तुम्हारा बोझ अपने कंधे पर उठाने के लिए। अरे आओ आओ, आ जाओ। आ भाई, जन्म में सब कैसे हैं? ठीक है ना? देखो कैसा बोझ, कहां का बोझ, मुर्दा वापस आ गया जन्म का चक्कर लगाकर। सिंधाए? हाँ, तुमने तो मुझे जान से मारने का प्लान बना लिया था, लेकिन थैंक्स टू इंस्पेक्टर साहब, जिन्होंने मेरी जान बचा दी। बचा लिया नहीं, बचा के रखा। तो तुम मुझसे झूठ कहते रहे कि मर गया है? क्या करें, पुलिस की नौकरी में मोहब्बत को खुदाफिस कहना पड़ता है, शक करना पड़ता है, कहानी सुननी पड़ती है, लंबी कहानी। मैंने तो एक ही कहानी दो बार सुनी है, एक बार इनसे, एक बार तुमसे। ये क्या, तेल भी सेम हो, बहुत लफ है। इनकी कहानी में ये विलन, इनकी कहानी में ये विलन, पता यार विलन कौन है? मैं कैसे कह सकता हूँ, और वैसे भी तूने कौन सी मेरी माननी। हाँ ये भी है, तूने फेवर। नंबर एक बात बताओ, इसने कभी तुम्हें प्रपोज किया था? तुमने इनकार किया था? जो दिल में मलाल लिए घूमता है, हमेशा तुम्हारे खिलाफ बोलता है, कहता है कि तुम, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, तुम दो नंबर हो, फ्रॉड हो, हमेशा यही कहता है। पूछो सर, तू बता यार, मोहब्बत तो हमारी, लेकिन भीड़ तो तुम्हारी है, चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा जो ये सब हो रहा है? हो भी सकता है, इसका क्या भरोसा, ये सब कुछ ये अकेले तो नहीं कर सकते। अकाउंट तो उसका यही कहता है, कभी अकेली रही नहीं है, तुम्हें भी तो ऐन वक्त पे ही छोड़ा था इसने। अल्लाह निहाद है यार, आज तक यहां तकलीफ है, तो रिकॉर्ड से आता है यार। मुझे याद है मैं इसको हॉस्पिटल छोड़ के इसकी कहानी सुन के किस वक्त निकला था? 2 बजे। और यहां कब पहुंचा था? नहीं, मैंने यहां कब पहुंचा था? 5:30। तू बता इस दौरान मैं क्या कर रहा था? झट मार रहा था। क्या? मैं यार रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा था, और क्या, तुझे पता है ज़हनी मरीज तू, वो भी बचपन से, माँ की नाफरमा बरदार औलाद तू, नशे तू, लड़की बाज तू, तेरे सर पे कितनी बार गुंदान मरा था इसने? 2 बार। एक बार सच बोल, वरना एक्सरे का रिकॉर्ड भी है मेरे पास। इसने तुझे गुंदान मारा, फिर घबरा कर गुंदान इसके हाथ से गिर गया। तुझे मारना नहीं चाहती थी,
खुद को बचा रही थी, इसलिए बचने बचाने में इतनी चोटी लगती है जितनी तुझे लगी। अगर मारना चाहती तो एक बार नहीं, बार बार मारती और इतना मारती कि तू कहानी सुनाने के लिए बचता ना। दोनों मिले हुए हो ना, स्टोरी पूरी पका दे रही है ना इसे, यही वो तेरा जुर्म है क्या इसकी? ये फिक्रा, ये जो तुमने अभी कहा है ये तो इसकी कहानी में था। इसने कार में कहा था ना कि यहां तेरा यार है, नहीं कहानी में तो ऐसा कुछ तो बता। एक बार फिर ये सच्ची निकली, देख रहा यार, सुन रहा कितनी पाकीज़ा है ये जिस पर तू इल्जाम लगाता रहा। तौबा कर, तेरे गुनाहों की बख्शिश नहीं होनी। तुम क्यों रो रही हो? तुम मत रो, मैं होगा, अब ये रोएगा, तुझ पर डलेगा डोमेस्टिक वायलेंस का केस, इकदाम कत्ल का केस, और वो पुलिस को गुमराह करने का केस। तू लंबा अंदर जाएगा बेटा, जल्दी बाहर नहीं आता, तो वहां से सिर्फ खुला के पेपर साइन करके भेजेगा, तो तुम रो मत। मैं तुम दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, क्या समझते हो? मैं कानून नहीं जानता, मैं नहीं। तुम्हें जितना जोर लगाना है ना, जहां का जोर लगाने लगा रहे, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं जितना इसे रुलाया है ना, उतना ही तड़पाऊंगा, तुझे याद रख। और तू माफी मांग आया कर, एक पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगाता रहा तू। सॉरी बाबी। बहुत बुरा कर रहे हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, बता रहा हूं कि तुम अपनी नौकरी से जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे तुम। ये नौकरी मैंने इसी के लिए की थी, वो तो इसका बाप मुझे अंडर एस्टिमेट कर गया, वरना तेरा चैप्टर तो होना भी नहीं था अगर इसका बाप मान जाता तो। अब ये नौकरी भी होगी और रिमूव भी होगी ना। तू लीजा इसे, जैसे पहले कि मैं उसको, भाभी ने बहुत स्ट्रेस लिया रात को, अच्छे से नाश्ता का इंतजाम कर, ऐसी तरह गुनाह धुलेंगे, समझ रहे ना? ले जाए सर। क्या समझती हो, ये आसानी से छोड़ दूंगा तो? ये नहीं चाहिए इसे, इससे पहले कि मैं, चलो मैं भी चलता हूँ। ख्याल रखना। जा रहा हूँ। बाय। साथ? हाँ। थैंक यू। वेलकम इन हवा। एस वेलकम।
चुके हैं।